नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास सेवेंथ मैथ का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 15 से देखने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 तक देख लेते। यदि आप लोग नहीं देखे हो तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहले इस वीडियो को जाकर देखिए, तब एक्सरसाइज आप लोगों को अच्छा से समझ में आएगा। इसमें कह रहा है कि हम लोग को ये जो इक्वेशन दिया गया इसको सॉल्व करने के लिए कह रहा है और रिजल्ट को क्या कह रहा है वेरीफाई करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग लिखे यहाँ पे गिवन ये 1/5a + 3/5a + ये 1 = 2/3। देखिए इक्वल टू के जो लेफ्ट वाला पार्ट है क्या हो गया LHS और ये हो गया RHS। अब देखिए LHS में क्या है 1/5a + 3/5a, ये दोनों क्या है लाइक टर्म्स हैं और ये प्लस वन क्या है कांस्टेंट है, तो इस प्लस वन को हम क्या करेंगे राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे। देखिए 1/5a + 3/5a = ये हो जाएगा 2/3 और प्लस वन राइट साइड में जाए तो जाएगा -1। अब देखिए 1/5a को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि a इंटू 1 कितना हो जाए a/5 भी लिख सकते हैं प्लस ये a इंटू 3 हो जाएगा 3a/5 = इसका यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, नहीं कुछ है तो यहाँ 1 डाल दीजिए, 3 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 3। 3 के टर्म 3 1 टाइम्स में, तो 1 × 2 हो जाएगा 2 माइनस 1 के टर्म 3 टाइम्स में, तो 3 × 1 हो जाएगा 3। आगे देखिए 5 5 कैल्सियम हो जाएगा 5 ही हो जाएगा, ये हो जाएगा a + 3a। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो एज इट इज को ऐड या सबट्रैक्ट कर सकते हैं, डिनोमिनेटर सेम है तो 5 5 कैल्सियम हो जाएगा 5। 5 के टर्म 5 1 टाइम्स में, तो 1 × a हो जाएगा a + 3 5 के टर्म्स 5 1 टाइम्स में, 1 × 3 हो जाएगा 3a इक्वल टू ये 2 में से 3 जाएगा तो जाएगा -1/3। आगे देखिए देखिए a + 3a यहाँ नहीं कुछ है, यहाँ पे 1 समझिए कि 1 + 3 कितना हो जाता है 4 और आगे में a लगा लीजिए / 5 = ये हो जाएगा -1/3। अब देखिए फ्रैक्शन है यहाँ पे दोनों साइड में बीच में साइन इक्वल टू का है, तो हम इसको क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। देखिए 4a × 3 हो जाएगा कितना 12a = 5 × -1 हो जाएगा -5। तो यहाँ से a का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये -5/12 कितना हो जाएगा 12, क्योंकि एक साथ 12 मल्टीप्लाई है तो राइट साइड में जाएगा क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो ये a का वैल्यू हम लोगों को मिल चुका है, तो ये इसका आंसर हो गया। अब हम लोग क्या करना है इसको चेक करना है, यहाँ पर लिखेंगे चेक। अब देखिए a का वैल्यू हम लोग को आया है, आप यहाँ पे देखिए हम लोगों को a जो है LHS RHS दोनों में है। देखिए आप LHS है यहाँ पे, इसमें तो a हम लोग को नजर आ रहा है, लेकिन RHS में तो हम लोग a नहीं है, सिर्फ इसका वैल्यू हम क्या करेंगे LHS में रखेंगे, इस LHS को यहाँ पे कॉपी करेंगे। LHS LHS है कितना, ये 1/5a + 3/5a + 1। अब a जहां जहां है उसके जगह क्या करें -5/12 पुट करेंगे, ये जो 1/5 × a के जगह पर हो जाएगा -5/12 + 3/5 × a के जगह पर हो जाएगा -5/12 + 1। आगे देखिए हम लोग रिजल्ट कितना आ जाना चाहिए 2/3 आ जाना चाहिए, RHS के इक्वल आ जाना चाहिए। देखिए आगे और देखिए 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम्स में, यहाँ देखिए 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम्स में, देखिए 1 × यहाँ पे क्या बचा -1, तो हो जाएगा -1/12 + 3 × -1, क्योंकि यहाँ देखिए 5 से 5 कैंसिल हो, तो यहाँ पे 1 बचा, पीछे साइन माइनस का है तो -1 हो गया, तो -1 × 3 हो जाएगा -3/12 + 1। आगे देखिए ये हो जाएगा -1/12, ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 3/12 और ये +1, यहाँ कुछ है यहाँ पर 1 लगा लेंगे और इसका एलसीएम ले लेंगे। देखिए 12 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो जाएगा 1, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा -1, फिर माइनस 12 से 12 को डिवाइड करेंगे हो जाएगा 1, 1 × -3 हो जाएगा -3 प्लस ये 1 के टेबल में 12 12 टाइम्स में, तो 12 × 1 हो जाएगा 12। आगे देखिए तो -1 और -3 तो जाएगा -4 प्लस 12/12, देखिए माइनस और ये प्लस, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, तो 12 × 4 जाएगा 8, लेकिन साइन किसका होगा जो बड़ा नंबर के पीछे का साइन होगा, देखिए 4 बड़ा होता है कि 12 बड़ा होता है, 12 बड़ा है तो 12 के पीछे साइन क्या प्लस है, तो प्लस 8 हो जाएगा अपॉन में ये 12, कैंसिल कीजिए 4 2 जा 4 3 जा, इसका रिजल्ट कितना आएगा 2/3।
देखिए ये 2.3 है क्या, ये 2.3 तो RHS है, बगल में यहाँ लिख लीजिए RHS। अब यहाँ पर लिखेंगे सिंस LHS इक्वल टू RHS हेंस वेरीफाइड, यहाँ पर लिखेंगे सिंस LHS इक्वल टू RHS हेंस वेरीफाइड। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है, इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि x माइनस 2x माइनस 3 अपॉन में 4 इक्वल टू 6 माइनस 2 टाइम्स x प्लस 1 अपॉन में 3। देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसको लिखेंगे, गिवन लिखेंगे, और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग सर्च कीजिएगा, x माइनस 2x माइनस 3 अपॉन में 4 इक्वल टू 6 माइनस 2 टाइम्स x प्लस 1 अपॉन में 3। अब यहाँ पे देखिए ये पार्ट क्या है, LHS है, और ये पार्ट क्या है RHS। देखिए क्या है, x माइनस 2x माइनस 3 अपॉन में 4, देखिए बीच में साइन किसका है, यहाँ पे माइनस का है, यहाँ क्वेश्चन सबसे पहले क्या कीजिए, इसको 1 डाल दीजिए। अब इसका हम क्या करेंगे, LCM ले लेंगे यहाँ पे, यहाँ पे देखिए कुछ नहीं, यहाँ पे 1 डाल दीजिए और इसका इसका क्या करेंगे, LCM ले लेंगे, ठीक है। तो 1 ऑफ 4 का LCM कितना हो जाएगा, 4, 1 के टर्म में 4, 4 टाइम्स में 4 इंटू एक्स हो जाएगा 4x, माइनस 4 के टर्म में 4, 1 टाइम्स में, तो 1 इंटू इतना हो जाएगा, इतना क्या हो जाएगा, देखिए 4 के टर्म में 4, 1 टाइम्स में, तो 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ में, यहाँ लिख लीजिए 1, और यहाँ पे 2x माइनस 3 इक्वल टू 1, 3 का LCM हो जाएगा 3, 1 के टर्म में 3, 3 टाइम्स में, 3 इंटू 6 हो जाएगा 18, माइनस 3 के टर्म में 3, 1 टाइम्स में, तो 1 इंटू 1 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 1। आगे देखिए ये हो जाएगा 4x, ठीक है, माइनस 1 से दोनों का मल्टीप्लाई किया, तो माइनस को प्लस मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा माइनस 2x, फिर माइनस को माइनस मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा प्लस, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा 3 अपॉन में 4 इक्वल टू 18, माइनस 2 से इसको मल्टीप्लाई किया, माइनस को प्लस मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा माइनस, 2 इंटू एक्स हो जाएगा 2x, फिर माइनस को प्लस मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा माइनस, और 2 इंटू 1 हो जाएगा 2 अपॉन में 3। जो लाइक टर्म्स को सॉल्व कर लीजिए तो 4x में से 2x जाएगा, तो 2x प्लस 3 अपॉन में 4 इक्वल टू ये हो जाएगा 18, देखिए 18 में से 2 जाएगा तो जाएगा 16 माइनस 2x अपॉन में 3। अब इसे आगे देखिए, देखिए फ्रैक्शन में है, यहाँ फ्रैक्शन में बीच में साइन इक्वल टू का, तो इसको क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, इसका मल्टीप्लाई किसके साथ में, 3 के साथ में, और इसका मल्टीप्लाई किसके साथ में, 4 के साथ में, इसको लिख लीजिए, तो 3 टाइम्स हो जाएगा 2x प्लस 3 इक्वल टू 4 टाइम्स 16 माइनस 2x। इससे आगे देखिए, तो 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 इंटू 2x हो जाएगा 6x, प्लस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 इक्वल टू 4 इंटू 16 हो जाएगा 64, माइनस 4 इंटू 2x हो जाएगा 8x। अब लाइक टर्म्स को एक साथ में लिखिए, देखिए लेफ्ट साइड में क्या करेंगे, वेरिएबल को रखेंगे, तो 6x माइनस 8x को लेफ्ट में ले जाएगा, हो जाएगा प्लस 8x इक्वल टू 64, अब प्लस 9 को ले जाएंगे राइट साइड में, हो जाएगा माइनस 9। आगे देखिए, तो 6x प्लस 8x ये हो जाएगा 14x इक्वल टू 64 में से 9 जाएगा तो जाएगा 55, यहाँ पर x का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 55 अपॉन में 14। ये दोस्तों इसका x का वैल्यू आ गया, अब हम रिजल्ट को क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। अब देखिए इसे आगे लिखेंगे यहाँ पे चेक, अब देखिए x का जो वैल्यू आया, देखिए LHS RHS दोनों में है, देखिए LHS है इसमें, यहाँ पे x है, RHS में भी x है, तो हम लोग दोनों जगह वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, पहले आते हैं LHS से, LHS में x माइनस 2x माइनस 3 अपॉन 4, x का वैल्यू क्या कीजिए 55 बाय 14 रख दीजिए, 55 बाय में 14 माइनस 2 इंटू ये जगह 55 अपॉन 14 माइनस 3 अपॉन 4, x जहां जहां था उसके जगह क्या किया 55 बाय 14 पुट किए। अब यहां से देखिए ये हो जाएगा हम लोगों को 55 बाय 14 माइनस, इसको यहां से कैंसिल कर दीजिए, 2 वन जा 2 सेवन जा, ये हो जाएगा हम लोगों को 55 बाय 7 माइनस 3, इसके नीचे में क्या हो जाएगा 4, यहाँ नहीं कुछ है तो इसके नीचे 1 डाल दीजिए और इसका एलसीएम ले लीजिए, देखिए ये हो जाएगा हम लोगों को 55 बाय 14
ये माइनस, यहाँ पे इसका एलसीएम ले हो जाएगा सेवन, सेवन के टर्म्स सेवन वन टाइम्स में, तो वन इंटू 55 हो जाएगा 55 माइनस वन के टर्म्स सेवन सेवन टाइम्स में, तो सेवन इंटू 3 हो जाएगा 21 और अपॉन में क्या हो जाएगा 4। आगे देखिए ये जगह 55 अपॉन 14 माइनस 55 में से 21 को माइनस कीजिए, 5 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 4 और 5 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 3 अपॉन में 7 और इसके नीचे में क्या 4 है, इसके नीचे में यहाँ पे क्या कीजिए 1 कीजिए और ये 1 चला जाएगा ऊपर, 4 आ जाएगा इसके साथ में। तो जगह नेक्स्ट स्टेप में 55 अपॉन में 14 माइनस 34 अपॉन में 7 इंटू 1 अपॉन में 4। ओके आगे देखिए अब इस आगे में सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा 55 अपॉन में 14 माइनस 34 अपॉन में 28 कैंसिल कर दी, 2 से कैंसिल करेंगे 17 और 2 से कैंसिल करेंगे तो 14। तो फाइनली हो जाएगा यहाँ पे 55 अपॉन में 14 माइनस 17 अपॉन 14, डिनोमेटर सेम है 14 हो जाएगा, डिनोमेटर यहाँ पे सेम है, ये जो दिस माइनस दिस 55 माइनस 17, तो 55 में से 17 को माइनस कर लीजिए तो 15 में 7 जाएगा तो हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा हम लोगों को ठीक है 15 में 7 जाएगा तो हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4, 4 में 7 जाएगा तो हो जाएगा 3 अपॉन में 14। और इसको आप चाहिएगा तो यहाँ पे कैंसिल भी कर सकते हैं, ये हो जाएगा फाइनली हम लोग कैंसिल करेंगे कितना हो जाएगा 19 अपॉन में कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 19 और ये हो जाएगा 7, एलएचएस को सॉल्व किया तो 19 अपॉन में क्या आ गया 7 आ गया। ओके कितना है 19 अपॉन में 7। अब आरएचएस को सॉल्व करेंगे यही रिजल्ट आ जाएगा, क्या हो जाएगा हम लोग को वेरीफाई हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट पेज हम लोग आरएचएस को वेरीफाई करते हैं, देखिए इसका आरएचएस हम लोग को ये है 6 माइनस 2 टाइम्स एक्स प्लस 1 अपॉन में 3 है, एक्स का जगह यहाँ 55 बाई 14 पुट कीजिए, यहाँ पे 6 माइनस 2 ये हो जाएगा 55 बाई में 14 प्लस 1 और ये अपॉन में हो जाएगा 3। आगे देखिए 6 माइनस 2 यहाँ नहीं कुछ, यहाँ पे इसका 1 डालिए यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, ये 14 14 के टर्म 14 1 टाइम्स है तो 1 इंटू 55 हो जाएगा 55 प्लस 1 के टर्म 14 14 टाइम्स है तो 14 इंटू 1 हो जाएगा 14 और अपॉन में ये हो जाएगा 3। आगे देखिए ये हो जाएगा, देखिए ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल भी हो जाएगा, यहाँ पे ये 6 माइनस नेक्स्ट स्टेप में कैंसिल करते हैं 2 टाइम्स हो जाएगा हम लोगों को 55 और 4 14 तो कितना हो जाएगा ये 5 और 4 हो जाएगा 9 और 5 1 हो जाएगा 6 अपॉन में ये 14 और इसके नीचे में क्या है 3। आगे देखिए ये 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए तो यहाँ हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो जाएगा 6 माइनस 69 अपॉन में 7 और इसके नीचे में कितना 3 है, ये 3 का मल्टीप्लाई के साथ में हो जाएगा क्योंकि इसके नीचे में यहाँ 1 डाल दीजिए, जाएगा 6 माइनस 69 अपॉन में 7 इंटू 1 अपॉन में 3, ये रेसिप्रोकल होगा ये चला जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा 3 इसके साथ में हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप देखिए हो जाएगा 6 माइनस 69 अपॉन में 7 3 21, अब इसका एलसीएम ले लीजिए, तो देखिए 1 और 21 का एलसीएम 21, तो 1 के 21 21 टाइम्स में तो 21 इंटू 6 21 इंटू 6 हो जाएगा हम लोग कितना, देखिए 21 को हम 6 मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाए 6 और 6 2 जाए 12 126 हो जाएगा, 126 माइनस 69 सो माइनस कीजिए, देखिए 16 में से 9 जाएगा तो 16 में से 9 जाएगा तो हो जाएगा हम लोग कितना 7 और 11 में से 6 जाएगा तो हो जाएगा 5 अपॉन में 21। अब यहाँ पे इसको कैंसिल कीजिए 3 7 जा 3 1 जा 3 3 9 जा 27 हो जाएगा 19 अपॉन में 7। तो देखिए एलएचएस को सॉल्व किया तो कितना आया था 19 अपॉन 7 आया था, आरएचएस को सॉल्व किया तो कितना है 19 अपॉन 7, दोनों तो इक्वल हो गया, लिखेंगे यहाँ पे सिंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हेंस वेरीफाइड।
आई होप दोस्तों दोनों क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कहीं भी डाउट हो तो कमेंट जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे, मेरे पढ़ने की तरीका यदि आप लोग पसंद आए तो आप लोगों रिक्वेस्ट है कि प्लीज इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों कमेंट करके जो बताइए कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आया कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।